नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। एक तो होता है डीएक्टिवेट करना और एक होता है परमानेंटली डिलीट करना। जब आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दोगे तो उसको अगर सर्च करेंगे तो आपकी सर्च में भी वो अकाउंट नहीं आएगा। अगर आप अपने अकाउंट को किसी भी कारण डिलीट करना चाहते हैं कि उसको कोई सर्च भी करे और वो सर्च में ना आए, तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे? तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप या पीसी से अपना अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हो। चलो आइए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की ओर और हम अपना अकाउंट खोल लेते हैं। तो ये हमारा एक अकाउंट है जिसको अब हम डिलीट करेंगे, परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अकाउंट में जाएंगे और हम अकाउंट के बाद यहाँ पे इधर हमारी एक आइकन होगा, आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अकाउंट लिखा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी आता है, तो हम सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। सेटिंग प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे एक सेटिंग आता है, तो हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है, मेटा अकाउंट सेंटर। ये पहले नहीं आता था, अभी आना शुरू हुआ, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद हम पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। हम अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के ऊपर क्लिक करते हैं अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट करने के लिए। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट और डिलीट कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, मेमोरिलेशन एंड यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो हम यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जितने भी अकाउंट होंगे यहाँ पे सारी लिस्ट वाइज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अभी एक ही अकाउंट है, तो हम एक अकाउंट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर दो ऑप्शन है, एक तो हमारा है अकाउंट डीएक्टिवेट और एक अकाउंट डिलीट। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करना चाहते हैं वो आप देख लेना। अगर हम अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं तो एक टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट होता है कि हम इस अकाउंट को टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट कर रहे हैं, बाद में हम इसको रीएक्टिव भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे डिलीट अकाउंट होता है ये एक परमानेंटली डिलीट होता है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको 30 दिन के अंदर वापस रीयूज कर सकते हो। मान लो आपका अकाउंट गलती से डिलीट हो गया और आप उसको वापस रिकवर करना चाहते हो, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने 30 दिन अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं किया तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करना है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपने अकाउंट को दोबारा एक बार लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपका अकाउंट वापस रिकवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है। हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे रीजन पूछ रहे हैं कि आप अपना अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हो, तो उसको फीडबैक चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्न, आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, माई अकाउंट हैज़ हैक्ड, आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल। जो भी आप यहाँ पे अपना आपका जो भी रीज़न होगा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, अभी तो हम आपको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो टाइम स्पेंड ऑन फेसबुक ये हमारा ऑप्शन था, आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो मिल जाएगी इसके ऊपर, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया परमानेंटली डिलीट। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो मैसेजर है जिसके ऊपर आपके मैसेज वगैरह है वो भी सारा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके अंदर कोई मैसेज वगैरह हिस्ट्री वगैरह नहीं रहेगी। और यहाँ पे नीचे हमें बता रहा है कि आप अपने पोस्ट को सेव भी कर सकते हो, डिलीट करने से पहले उसको सेव कर सकते हो। तो इसको हम एक ट्रांसफ़र कॉपी बना सकते हैं, एक डुप्लीकेट कॉपी बना के हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अकाउंट डीएक्टिवेट ही करना, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे
तो कंटिन्यू करने के बाद है यहाँ पे एक कंफर्म करता है कि जो ये अकाउंट है वो आपका ही है, कोई और तो इसको डिलीट नहीं कर रहा है, इसलिए हमसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड भर देते हैं अकाउंट को डिलीट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा ही अकाउंट है तो हमें इसका पासवर्ड पता होगा। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे भर देते हैं। अगर आप अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके अकाउंट को डिलीट करने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्म मांग रहा है कि अभी भी आप रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। और यहाँ पे ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि आप अपने अकाउंट को 30 दिन से पहले पहले रिकवर भी कर सकते हो, अगर आपने अपने अकाउंट को 30 दिन के अंदर ही उसको लॉगिन कर लिया तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। वो तो बाद की बात है, अभी हम इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।